हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी अपने WhatsApp के कीबोर्ड में अपना फोटो लगाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि WhatsApp कीबोर्ड में हम फोटो कैसे सेट कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं अपने फोन पे। सो यहाँ पर अब हम अपने फोन पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने WhatsApp को ओपन किया हुआ है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम WhatsApp के कीबोर्ड पे अपना फोटो कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने फोन पे आ जाइए और यहाँ पे चलिए सबसे पहले तो मैं आपको अपने WhatsApp का कीबोर्ड दिखा देता हूँ किस तरह से मेरा आता है। तो यहाँ पे मैं एक चैट ओपन करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो कीबोर्ड है वो बहुत ही सिंपल सा है। इसमें कोई भी अभी फोटो नहीं लगा हुआ है, इसमें हम फोटो लगाने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो यहाँ से हम बाहर आते हैं। WhatsApp से आपको बाहर आना है और यहाँ पे आपको एक छोटा सा काम करना है। इसके लिए आपको कोई भी ऐप भी इंस्टॉल नहीं करना है अलग से, ये आप अपने फोन के फीचर से ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन के सेटिंग्स पे जाना होगा। सेटिंग्स पे चले जाइए, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा लैंग्वेज और रीजन, देख सकते हैं, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद कीबोर्ड और इनपुट मेथड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि आपका जो डिफॉल्ट कीबोर्ड है वो कौन सा सिलेक्टेड है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा में यहाँ पे जीबोर्ड यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो मैं जीबोर्ड में अपना सेटिंग जो है उसे अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे मैं जीबोर्ड यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं थीम का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देता है, तो थीम पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक प्लस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप जो भी फोटो ऐड करना चाहते हैं, जो भी आप यहाँ से ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ये वाला फोटो सेलेक्ट करने वाला हूँ, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ये क्रॉप एडजस्ट करने के लिए इस तरह से आ जाएगा। आप इसे जूम करके इस तरह से सेट कर सकते हैं जितना पार्ट आप सेट करना चाहें। तो मैं फिलहाल इसे इस तरह से अलाइन कर देता हूँ और उसके बाद नीचे नेक्स्ट का बटन है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस आप इतना ही रहने दीजिए, उसके बाद डन पे क्लिक कर देना है। और अब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हमारा कीबोर्ड जो है वो किस तरह से दिखाई देगा। तो ठीक है, अप्लाई पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारा कीबोर्ड जो है वो उसमें फोटो लग चुका है, सेट हो चुका है। अब यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ से हम बाहर आते हैं और चलते हैं अपने WhatsApp पे। WhatsApp पे चैट ओपन करते हैं और यहाँ पे अब अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे कीबोर्ड में बैकग्राउंड में यहाँ पे फोटो जो है वो लग चुका है सक्सेसफुली। यहाँ पे इसी तरीके से आप भी लगा सकते हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। तो इसी तरीके से आप भी जो है WhatsApp के कीबोर्ड में अपना फोटो लगा सकते हैं।